नमस्कार मैं हूँ राहुल शर्मा आप देख रहे हैं एसपी पी न्यूज स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में और बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त शिवपाल यादव से क्या समाजवादी पार्टी के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार हैं शिवपाल यादव क्या अखिलेश यादव के खिलाफ एक बड़ी बगावत कर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं अभी तक ये माना जा रहा था कि शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के साथ है समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं अखिलेश के साथ मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन अब जो तस्वीर दिखाई दे रही है अब जो हालात नज़र आ रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में एक बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है क्या आने वाले वक्त में तस्वीरें जो है वो बदलती हुई नज़र आएंगी क्योंकि फिलहाल कि जो मौजूदा समय की स्थिति है फिलहाल जो मौजूदा समय के हालात है वो ये जाहिर तौर पर इशारा कर रहे हैं कि अब वक्त धीरे धीरे बदल रहा है अब वक्त धीरे धीरे जो है वो मैं अगर कहूँ तो अखिलेश के हाथ से निकल रहा है क्योंकि भले ही ऑफिशियल तरीके से ये बात ना कह रहे हों कि शिवपाल यादव की उन्हें क्या ज़िम्मेदारी जो है मिलनी चाहिए या क्या नहीं मिलनी चाहिए लेकिन एक बात तो तय कि जिस तरीके से शिवपाल को सपा में कोई बड़ा पद नहीं मिल पाया है कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है और जिस तरीके से हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि शिवपाल कहीं ना कहीं अखिलेश से नाराज भी चल रहे हैं तो क्या ये एक बड़ा जो है मैं अगर कहूँ तो झटका होगा समाजवादी पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी को अभी मजबूत करने निकले ही अखिलेश यादव और अगर शिवपाल पार्टी का साथ छोड़ते तो क्या आदित्य यादव के भी जो चांद समाजवादी पार्टी में बन रहे हैं बन रहे हैं वो भी नहीं होते नजर आएंगे क्योंकि तो फ़िलहाल जिस तरीके से इस स्थिति है वो ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अगर पार्टी और परिवार को साथ मिलकर लेकर नहीं चलते पार्टी परिवार को साथ लेकर आगे नहीं बढ़ते तो शायद इसका बड़ा नुकसान उन्हें आने वाले वक्त में उठाना पड़ सकता है और बीजेपी इसका बड़ा फ़ायदा उठा सकती है अब देखना होगा कि निकाय चुनाव से पहले क्या समाजवादी पार्टी में एक बड़ी तकरार देखने को मिलेगी कि समाजवादी पार्टी में एक बड़ी बगावत देखने को मिलेगी और इस बगावत से क्या और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी समाजवादी पार्टी आजकल इतना ही आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी तब तक ले जा दीजिए ナマシカ。